पूजा के लिए आदर्श किशन गुरु हो यार कुछ कह रहा हूं मैं तुझे गुरु कह रहे थे कि आज बहुत गलत कह दिया, ये आपकी गलत फहमी है, मैंने नहीं कहा, ये आपका पूरा अखाड़ा गवाया, कहा आपके बच्चे ने, उसने ही कहा कि मैं क्या करूं जी ने कछू कर रहे थे, कहा था भैया ये सब गवाए पहली बार, और हमारा छोटा भाई मुकेश कह रहा था, मुझे हंसी आ रही थी उधर कि मुझे 30 साल हो गए और तुम्हें अभी 15-20 साल ही हैं। अब भैया देखो बुरो मानवे की बात ना है, इसको वास्तव में 30 साल हो गए लेकिन ये होमगार्ड पर ही भर्ती भयो, अब वो होमगार्ड हुई है समझे, अब इसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये बच्चे 4-4 साल हुए हैं और ये नाक रगड़ रहा तू इनके आगे, अब 30 साल से क्या मतलब है, काय के लिए आईएएस करिए, होमगार्ड के पद पे भर्ती हुए थे, होमगार्ड में ही हो तुम अभी, अब आइए सवाल जवाब की बात, तुझको कसम लगे तुझको कसम लगे तुझको कसम लगे पिछड़ के एक पल भी जिए, अरे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, अभी तुम लोगों को अपनी कमी पता ही नहीं है, तुम जो भी बोलते हो आधी बात तो पब्लिक समझती ही नहीं है कि तुम कह क्या रहे हो, कह रहे थे देश की माताओं से, चाचा तुम जनो रघुबर सी संतान, तुम जनो रघुबर सी संतान, ओ रघुबर सी संतान, ओ रघुबर सी संतान बने मेरा भारत देश महान, तुम चलो श्री रघुबर सी संतान। शेर सिंह भैया देखिए मैं जवाब की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दो, नारी से कहा कि तुम जनो रघुबर सी संतान जय हो, तो अब वो नारी क्या कह रही है, संतान तो मैं ऐसी जन दूंगी
जन तो दूंगी मैं राम जैसी संतान, लेकिन जिस घड़ी में राम हुए पैदा अब वह योग जरूरी है। जिस घड़ी में हुए राम पैदा अब वह योग जरूरी है, अब वह योग जरूरी है। जिस घड़ी में हुए श्री राम पैदा अब वह योग जरूरी है। और मैं अकेली नहीं कर सकती, घर में राम को लाना है तो आपका भी सहयोग जरूरी है। घर में राम को लाना है आपका भी सहयोग जरूरी है। तुमको कसम लगे किशन गुरु, तुमको कसम लगे, अरे तुमको कसम लगे पिछड़ के एक पल भीजिए बने। अब नारी क्या कह रही है, सहयोग चाहिए महाराज आपका तब राम आएंगे। क्यों के संस्कार बने घर के कैसे करने को खराब चले आए, करने को खराब चले आए, करने को खराब चले आए। संस्कार खटकते हैं कि चार साल में एसपी है गए बालक, तो पूछ करो मैं 30 साल तो होगा डूं। संस्कार बने कैसे अच्छे तुम करने को खराब चले आए, राम जैसी संतान में कैसे जनू तुम पी के शराब चले आए, राम जैसी संतान में कैसे जनू तुम पी के शराब चले आए। और पी के जरा वगैरह अच्छा राम ला राम, अब राम का बजारम बिक्रो। अब वो नारी क्या कह रही है, देख तुम बनो मुझसे ये मत कहो कि तुम जनो, तुम बनो संस्कारों की पहचान हो, तुम बनो संस्कारों की पहचान। तुम दशरथ दशरथ सा राखो मान, दशरथ सा राखो मान तो घर में आए राम भगवान। बड़े बड़े साधु संत जीवन को करें अंत करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे, दुनिया में पुण्य और पाप मिल जाएंगे, वरदान मिले और साप मिल जाएंगे। और ताली देखना, अरे वरदान मिले साप मिल जाएंगे। दशरथ से पिता ने कपन के तो देख ले ओ राम जैसे बेटा अपने आप में, राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे, राम जैसे बेटा अपने आप मिल जाएंगे। तो महाराज नगजा शराब जुआ जा छोड़ दो, सवेरे के निकट तुम रात में लौट दो, और आए के बने राम ला। पहले तुम बनो
अरे तुम बनो संस्कारों की पहचान। अरे कसरत सारा को मान, कसरत सारा को मान, तो घर में आए राम भगवान। रखी है संहिता न जीवन में प्रतियोगिता, लिखी लिखी है संहिता न जीवन में प्रतियोगिता, लिखी रखी है संहिता। और चाचा कन्हैया दाऊ तब आमे, कन्हैया दाऊ तब आमे, वसुदेव से कर हो पिता। कन्हैया दाऊ तब आवे, कन्हैया दाऊ तब आवे, हो वसुदेव से पिता। तो बिगड़े हुए बिगड़े वो संस्कार बतलाओ कैसे बने। अरे बिगड़े हुए वो ये संस्कार कैसे बने बेटा, बिगड़े वो संस्कार बतलाओ कैसे बने। इन्हें नई संस्कारों का ध्यान, नई संस्कारों का ध्यान, नई संस्कारों का ध्यान। तुम कसरत सा रखो मान, तो घर में आए राम भगवान। तो बनो भैया, एक बात और उधर से चल रही, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए। चार साल वही है, जाए बताओ वो जही में परेशान है कि वो 30 साल है गई। अब जुनाए देख रहो कि बात छोड़ाने की तरी मेहनत करी है। हाली नसीबा भी क्या रंग लाया, हो नसीबा भी क्या रंग लाया, कहां आके हम को मिलाया, हो कहां आके हम को मिलाया। मजबूर हम थे लाचार हम थे, ना जाने कितने बेकरार हम थे, बेखुदी में हम खो गए। तेरे दर्द से दिल बात रहा, तेरा कम तेरे जाने के बात रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा।
जब बन को चले श्री राम जब बन को चले तो बादल गमों के छा गए कि श्री राम जब बन को चले तो बादल गमों के छा गए। ये बातें हम कहते नहीं है क्योंकि हम गा रहे हैं या हम लिख रहे हैं, तो ये हम नहीं लिख रहे, ना हम गा रहे ना हम लिख रहे, गाने वाला भी कोई और है और लिखने वाला भी कोई और है। और बात करो इस चीज की तो तुम अपने गीतों को कॉपी में देख के गा रहे हो और मैं तुम्हारे गीतों के जवाब भी ऐसे ही गा रहा हूं। श्री राम जब बन को गए बादल गमों के छा गए धीरज न दशरथ रख सके तो आंखों में आंसू कि धीरज न दशरथ रख सके आंखों में आंसू साप बदलते कभी कभी मरदानों में हमने श्राप बदलते दे। महाराज दशरथ याद कर रहे हैं, अभी उधर से गीत हो रहा था मेरी माला के मोती बिखर गए मेरी माला के मोती बिखर गए। पर किशन गुरु ये भी बिंदु जी का पद है, भागवत में खूब रहे हो मुकेश गुरु, तुमने ढोलक बजाई है मैं संगति की है, ये कौन सा भजन है? मेरी माला के मोती बिखर गए कुछ उधर गए कुछ इधर गए। जय हो। अब यही गाना बबरो है। मेरी माला के आ नहीं कर पाएंगे वो। कलम चल रही है कोई मजाक है मेरी? और फिर सुनो और सिद्ध भी हो रहा है लेखक के द्वारा लिखा हुआ बिखर गए, ये भजनों में ही होता है बिखर गए, अब उधर गए और इधर गए। चलो यहां तक तो गड़बड़ भई में, चलो आगे सही होए। फिर जिधर गए फिर ढूंढो किधर गए और फिर अधर गए। थर थर कांपे अधर गए, थर थर कांपे अधर गए और हमने समझी के सुधर गए पर कुछ नहीं। अब हुआ क्या कह रहे हैं दशरथ जी? साप वरदान बन के उतर गए, साप वरदान बन के उतर गए, साप वरदान बन के उतर गए। याद कर रहे हैं कि वो श्राप आज मेरे लिए वरदान बन गया है, क्योंकि कहा था कि पुत्र वियोग में मरोगे, तो कहा उन्होंने कि मैं मरूंगा लेकिन
लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि मेरे पुत्र तो होंगे। अरे चाय भैया चाय, इसलिए कहा श्राप वरदान बन के उतारे गए। हाँ हो श्राप वरदान बन के उतर गए। कभी बिगड़े मुकद्दर आज सुधर गए, आज सुधर गए। वरदान बन के उतर गए। गुरु वो श्राप वरदान बन के उतरे गए। कभी बिगड़े मुकद्दर आज सुधर गए, आज सुधर गए। क्यों कि ऐसा भी अवसर था आया, हो ऐसा भी अवसर था आया। कैसा अवसर? जब हिरण जान के सर चलाया, हिरण जान करके सर चलाया। जाना रही थी श्रवण कुमार के, जा नहीं रही। कहा कि पानी ले जाओ, मेरे अंधे पिता माँ को पानी पिला देना। तो जाना रही थी और बिना पानी के ही उधर जाना रही थी। पिता ना रहे और वो माँ ना रही थी। जाना रही थी पिता ना रहे थे और माँ ना रही थी। पिता ना रहे और वो माँ ना रही थी। उनकी यादों में हम खो गए, उनकी यादों में हम खो गए। आज भर के नयन रो गए, हो आज भर के नयन रो गए। और नयन रो क्यों रहे? पश्चाताप तो इस चीज का हो रहा है कि अगर वो थोड़ा सा जल पी लेते, लेकिन वो चले इतने, चले इतने के जल को भी मुकर गए। चले इतने के जल को भी मुकर गए। वो चले इतने के जल को भी मुकर गए। पर वो श्राप वरदान बन के उतर गए। जो कभी बिगड़े मुकद्दर आज सुधर गए। सर ताज लाना, हो बनाने को सर ताज लाना। बात वही है शेर सिंह भैया, कोई तो पावरों लेके लग रहा है और कोई अपनी कलम चला रहा है। अपने परेशानी क्या बात है? अब बाबे चारे 30 साल रह गए, अब जो की जिम्मेदारी हम पे। बनाने को सर ताज लाना, हो बनाने को सर ताज लाना। और राम बन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सजाने को सर ताज लाना, हो सजाने को सर ताज लाना, सजाने को सर ताज लाना।
अपमान माँ का किया, अपमान माँ का किया, अब वो काम है जरूरी। अपमान माँ का किया, काम है जरूरी। वो अपमान माँ का किया, अब उधर करना है जरूरी। अब उस पाली का मरना है जरूरी। अपमान माता किया, करना है जरूरी। अब उस बाली का करना है जरूरी, क्योंकि उसको अभिमान है, क्योंकि उसको अभिमान है। उसमें ब्रह्मा जी का वरदान है। अब दशरथ जी इतना कहते कहते राम राम कहे, राम कहे राम, राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरहे, राहु गयो सुर। तो पिता इधर गए हैं, पिता उधर कुंवर गए, इधर गए हैं पिता उधर कुंवर गए। इत चले हैं पिता उत कुंवर गए, श्राप वरदान बन के उतर गए। जो कभी बिगड़े मुकद्दर अब सुधर गए, सुधर गए श्राप वरदान बन के उतर गए। आइए, जो आनंद हजार लोगों में नहीं आ सकता वो चार में आ रहा है, आ रहा है। तो एक गीत और मैं आपको सुना रहा हूं। मां साहब जमाने के देखें रंग हजार, नहीं कुछ से बापकार के। अरे अब बेकरारी में आए करार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। एक चाबी बड़ा मजा
वही होए बाय दे। मेरी तो जे समझ में आ रही, तुम 3 साल से 4 साल से करका रहे हो। जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार का। जमाने के देखे रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। उधर से गीत आया कि तुम जनो, मैंने जवाब दिया कि तुम बनो। अब अगर पति उस रूप में बन गया और पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया, अब बात आती है नामकरण की। इस दुनिया की रीत है, से बड़ा है राम का, लेकिन यही भी सत्य है, राम से बड़ा है राम का। किशन गुरु, करीब 10 साल पुराना गीत है, आज संयोग बस याद आ गया तो मैं सुना रहा हूं आपको। आजकल सबसे बड़ी कमी हम कर रहे हैं बच्चों के नामकरण में। पहले नाम होते थे राम, श्याम, राधा, मीरा। आज तुम कहो बच्चा से कह देंगे तेरो नाम, हम बच्ची से कहना का बेटा तो नाम राधा रख के देंगे। नहीं, नो पापा, क्या पसंद है? करिश्मा, काजुल, काजुल, कैटरीना, हाय हाय। ये आ गया है, ये दौर है। लेकिन मेरा कहना क्या है, हो राम सीता या हो राधे श्याम, हो राम सीता या हो राधे श्याम, हो राम सीता या हो राधे श्याम, नहीं कुछ नहीं कुछ बिना नाम के। हो राम सीता या हो राधे श्याम, नहीं कुछ बिना नाम के। कहने वाले तो ये भी कह देते हैं कि नहीं कुछ बिना राम के, लेकिन मेरा कहना ये कि राम के बिना तो काम हो सकता है, पर नहीं कुछ बिना नाम के। इसलिए रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम, रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम, क्योंकि नहीं कुछ बिना नाम के। रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम, नहीं कुछ बिना नाम के। क्या बात है बेटा? नंद को लखे, नंद को लखे, नंद
नंदन को लखे नंद आनंद जी के नंदन को लखे नंद आनंद जी के नंदन को लखे नंद आनंद जी के वो गीत ही क्या जिसे समझना भी पड़े नंदन को लखे नंद नंद बाबा नंदन को लखे नंद आनंद जी दे पर रखे ना कोई नाम छे मास भी दे रखे ना कोई नाम छे मास भी दे रखे ना कोई नाम छे मास भी दे छह महीने बीत गए कन्हैया का दाऊ जी का नामकरण नहीं हुआ तो नाम गर्ग जी ने रखे कृष्ण राम अरे नाम गर्ग जी ने रखे कृष्ण राम कृष्ण और बलदाऊ का नाम है राम बल बहुत ज्यादा था तब हुए बलराम जय हो नाम रखा था राम जय हो नाम गर्ग जी ने हाँ नाम गर्ग जी ने बूटी आ गई प्रभु साम दाम दंड भेद कैसे हूं काम बने उस बेचारे के भोलेपन की भी कीमत लगा रखी है नाम ये जाके ले ने करके तो पब्लिक में हंसे अरे लाओ लाओ नहीं नाम गर्ग जी ने नाम गर्ग जी ने नाम गर्ग नाम गर्ग नाम गर्ग जी ने रखे कृष्ण राम भगवान का भी नाम रखना पड़ा इसलिए नहीं कुछ बिना नाम नहीं कुछ बिना नाम के इसलिए रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम शहर में जाओ छोटे छोटे फ्लैट हैं और तुम बैठे हो नीचे पैर हैं कुर्सी के अंदर से आवाज आ रही है चिंटू या स्वीटी अब माल बनाए कोई पिल्ला ना चलो आवे जय जय बॉबी अब ये नाम कौन के है ये नाम बताओ स्वीटी शब्द को से ढूंढा कोई मतलब ही ना मिले टॉमी जिप्सी भाई हम कह रहे हैं कि लाली कहे को जिप्सी ये हंसी की बात नहीं है हमें विचार करना होगा इन चीजों पे क्योंकि नाम ऐसा हो जिसको हमें बार बार लेने से कुछ फायदा हो अब आइए दूसरा बंद लिखा राम का नाम लिखा राम का नाम लिखा राम का नाम लिखा राम का नाम है व्याप्त भूपर लिखा राम का नाम है व्याप्त भूपर और पत्थर हा पत्थर भी तेरे थे सागर के हा पत्थर भी तेरे थे सागर के ऊपर हजारों प्रसंग आते हैं नल नील पत्थर फेंक रहे हैं पत्थर तैर रहे हैं भगवान ने सोचा चलो मैं भी कुछ मदद करूं मैं भी मदद करूं जैसे ही राम ने पत्थर फेंका पत्थर डूब गया पत्थर डूबा जामवंत जी से प्रश्न कर दिया भगवान ने कि प्रभु क्या लीला है विधाता
जामवंत बोले किस सोच में हो प्रभु आप? राम बोले मैं सोच रहा हूं मेरा नाम लिखा है पत्थर तैर रहे, मैं स्वयं छोड़ रहा हूं पत्थर डूब रहा है। कितना सरल जवाब दिया कि नाम के सहारे से पत्थर तैर सकता है, लेकिन प्रभु जिसे आप पकड़ के छोड़ रहे हो उसे तो संसार सागर में डूबना ही। लिखा राम का नाम है व्याप्त धूप, अरे पत्थर भी तेरे थे सागर के ऊपर। हाजी मुकेश भैया रसिया सिया हो तो ऐसे हो जिसने जीवन की कर्मशाला बना डाला, जिसको जीवन की कर्मशाला बना डाला। पर कुछ तुम जैसे रसिया वालों ने रसियों को रंगशाला बना, पर कुछ ऐसे रसिया वालों ने रसियों को रंगशाला बना डाला। बेटा लिखा राम का नाम है व्याप्त भू पर, पत्थर भी तेरे थे सागर के ऊपर, वो पत्थर भी तेरे थे सागर के ऊपर। नाम नाम राम जी का करे ऐसे काम, अरे नाम राम जी का करे कैसे काम। तो नहीं कुछ बिना नाम के, अरे रखो सोच कर तुम, रखो सोच कर अपने बच्चों के नाम। नहीं कुछ बिना नाम के, सीख लेनी चाहिए कानपुर लखनऊ वाले कीर्तनकारों से जिनकी भाषा, और ये हमारे न देख लो। और वैसे इन्हें पूछो तो एक आदमी कोई बचो होगा नहीं, मैं बांधा तक जैसे बांधा में बांध के डारे हों। लखीमपुर गिरी भाषा नहीं सुधरी है भाई। कर्मों में शामिल हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल। अब चाचा एक नाम और आ रहा है, हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल, पर नारायण नारायण जपा नाम तर गए अजामिल, नारायण जपा नाम तर गए। साधु जब वैश्या के घर आए भोजन किया, बोले दक्षिणा, कहा हमारी दक्षिणा केवल ये है कि तुम्हारे जो पुत्र पैदा हो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल जैसा पापी जब दुनिया से गया तो छोटे बच्चे का नाम नारायण 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 नारायण, जपते जपते जब प्राण गए तो भगवान ने अपने दूत भेजे कि इसने अंत समय नारायण नाम उच्चारण किया है तो इसके पाप क्षमा होते हैं और इसको स्वर्ग धाम लेकर के आइए।
अगर अगर कुछ सच्चाई है इन चीजों में तो क्यों ना हम इन्हें माने। हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल, हमेशा रहे पाप कर्मों में शामिल, नारायण जपा नाम तर गए अजामिल, नारायण जपा नाम तर गए अजामिल। यत्न तो यत्न नाम हेतु करो शुभ हो सा, हो यत्न नाम हेतु करो शुभ सा। दिन रात प्रयास करिए कि इस दुनिया से जब जाएं तो कम से कम चार लोग तो हमारे नाम को याद रखें। जाना तो है ही, सबको जाना। यत्न नाम हेतु करो शुभ हो सा, चाहे पूजने पड़े चाहे पूजने पड़े चाहे पूजने पड़े साधु ऋषियों के पास, क्योंकि नहीं कुछ बिना नाम के, अगर नाम की बात चल रही है तो मैं अब तेरा वो नाम नहीं लूंगा। जय हो कृष्ण गोपाल जी। कृष्ण गोपाल है। अब थोड़ा सा विचार करना है। सबसे बड़े हैं राम, उनसे छोटे हैं भरत, उनसे छोटे हैं लक्ष्मण और सबसे छोटे शत्रु। लेकिन अरविंद जब नामकरण हो रहा है, वशिष्ठ जी जब नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले नाम रखा राम का, उसके बाद नाम रखा भरत का, लेकिन नंबर था तीसरा लक्ष्मण का, लेकिन तीसरा नाम लक्ष्मण का नहीं रखा, तीसरा नाम रखा शत्रुघ्न का, रिपसूदन। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन से जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। अब क्या कहूं मैं आपको बताऊं, अगर कोई आदमी जब 0/0 हो जाए तो उसकी तरफ पीठ ही अच्छी है। 0/0। अब वो बेचारे क्या कहें उनसे बताओ, आपस में लड़ रहे हैं, कोई काउते कह रहो कोई काउते कह रहो, उनके हम ही क्या कहें। अब भाई जितो अब भाई तो में दिन में लड़ाई और होगी, गाड़ी में देखियो आतरस तक का होगा भाई। नहीं बिल्कुल होगी कि जी 3 साल से दुकान चल रही जी बिगड़ गई। आखिरी बंद में लिखना है, अरे राम और भरत, हो राम और भरत, राम और भरत, अरे राम और भरत शत्रुघ्न धाम पीछे, अरे राम और भरत शत्रुघ्न धाम पीछे, हे लक्ष्मण पड़े शत्रुघ्न से, हे लक्ष्मण बताए लखन, बताए लखन रामवीर लखन लाला लक्ष्मण के धाम, अरे रामवीर लखन लाला लक्ष्मण के धाम। कहीं कुछ बिना नाम के तो रखो सोच कर अपने बच्चे।
बच्चों के ना किशन गुरु, एक गीत के दो अंतरे दिमाग में है। जय हो। चढ़ती जवानी चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी, हर जगह चली जाऊंगी पर वहां न जाऊंगी। वो चढ़ती जवानी तेरी, चढ़ती जवानी तेरी निकला उड़ाएगी, न जाऊंगी बिहार यूपी बोली चल जाएगी। हाजी मुकेश भैया, आज के इस जमाने में अपमान अपमान कराना है ज्यादा, बिना काम डोलना सीख लो। अपमान कराना है ज्यादा तो बिना काम डोलना सीख लो। एक छोटी सी शिकायत है, कार्यक्रम शुरू होने का समय अगर रसियाबाजी कहा जाए तो 10 बजे लगभग मान लो, और सुबह 5:30-6 बजे तक प्रोग्राम हो, अखाड़े को 10 बजे लगभग आ जाना चाहिए, 10 से 10:15 शुरू हो जाए। लेकिन मैं 5 साल से क्या 8 साल से परेशान हूं, मेरे जाका उतर सिया हुए, कमेटी को फोन जाएगा भाई साहब वो तो आएंगे। अब ये चीज मैंने एक दो बच्चे भेजे, मैंने कि इतने जल्दी जा बच्चों देख हो जाएगा, सत्य बता रहा हूं मैं, तो इनके काम का है। गाड़ी खड़ी कर दी, एक माँ डोल लो है, एक माँ खड़ो है, राम राम जा। अच्छा तुम पार्टी में? हाँ। अच्छा अच्छा बुना आया भाई? अरे वो तो बहुत मक्कार आदमी, इतने पैसा ले तो है दूने, और देखो हम तो आए गए, वो आएगा तो देखो टाइम तो शुरू हो जाता काम, 4 बोटे तो बन गए फिर मांगे। अब तब तक बोलोगे ऐसे है जाते हैं मानिया जी, रामवीर बड़ो बेकार आदमी, लेकिन जब प्रोग्राम सुनते हैं बन गया, अरे बेकार तो जय ही है वास्तव में। चढ़ती जवानी, इसलिए कहना पड़ रहा है अपमान अगर कराना है बिना काम डोलना सीख लो। और सच्चाई ये है तुम्हें ज्यादा दुश्मन बनाने हैं तो सत्य बोलना सीख लो। तुम्हें ज्यादा दुश्मन बनाने हैं तो सत्य बोलना सीख लो। अब उदाहरण है, हमारे मुकेश भैया बैठे हैं देखो नाल बजा रहे, अब इनसे पूछ जाएगी गाड़ी में कि प्रोग्राम कैसे हो रहा, अगर इनने जो कह दी कि पिट गए तो जे गाड़ी में तो नीचे जे का कहेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास रहे हो कोई कमी ना है।
तुम बेशक के ऊपर इनमें आप समय कोई ना कहो। अरे ज्यादा दुश्मन बनाने हैं तो सत्य बोलना सीख लो, हो ज्यादा दुश्मन बनाने हैं तो सत्य बोलना सीख लो। चाचा हास व्यंग अपनी जगह पर सच्चाई है क्या, नारथ परमारथ की, नारथ परमारथ की, अरे नारथ परमारथ की, नारथ परमारथ की, घनश्याम नपारथ की, अरे नारथ परमारथ की, घनश्याम नपारथ की, ना मंत्र महारथ की, ना मंत्र महारथ की। और अब अपने आप बोल दोगे आप लोग, घनश्याम नपारथ की, ना मंत्र महारथ की, ना पथ परमारथ की, ये दुनिया है ना पथ परमारथ की, ये दुनिया है स्वार्थ की। तो देखते ये स्वार्थ वाले, देखते ये स्वार्थ वाले मेले रह जाओगे, देखते ये स्वार्थ वाले मेले रह जाओगे, देखते ये स्वार्थ वाले मेले रह जाओगे। ओ चाचा संजय चाचा, देखते ये स्वार्थ वाले मेले रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलोगे अकेले रह जाओ, ज्यादा सत्य बोलोगे अकेले रह जाओगे। क्यों ऐसे उदाहरण भी है, जब कह सही बात तो दई, जब कह सही बात दई, जब कह सही बात दई, पतला बाकी घात दई, पतला बाकी घात दई, अरे पतला बाकी घात दई, पतला बाकी घात दई, जब कह सही बात दई, सही कहने वाले में, सही कहने वाले में रावण ने लात दई, अरे सही कहने वाले में रावण ने लात दई, सही कहने वाले में रावण ने लात दई। सही है कि ना सही? जब कह सही बात दई, जब कह सही बात दई, अरे जब कह सही बात दई, पतला बाकी घात दई, सही कहने वाले में रावण ने लात दई, अरे सही कहने वाले में रावण ने लात दई। अरे बन के विभीषण, विभीषण बन मिट्टी वाले, विभीषण बन मिट्टी वाले तेल रह जाओगे, विभीषण बन मिट्टी वाले तेल रह जाओगे, विभीषण बन मिट्टी वाले तेल रह जाओगे। ये बात लगे कि सत्य बोलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। बन के भीषण बन मिट्टी वाले तेल रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलोगे तेल रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलोगे तेल रह जाओगे। अब आते हैं महाभारत में भी ऐसा हुआ, सारे कौरव अन्याय कर रहे थे लेकिन एक भाई जिसका नाम था विकर्ण, वो अपने सब भाइयों को समझा रहा है कि अनीति मत करो। तो परिणाम क्या हुआ,
परिणाम ये हुआ कुछ न्याय जो उस मन था, कुछ न्याय जो उस मन था, कुछ न्याय जो उस मन था, कुछ न्याय जो उस मन था वो अपने खुश मन था, अरे वो अपने खुश मन था, वो अपने खुश मन था, सही सही कहता था, इसलिए भैयों का दुश्मन था, सही सही कहता था वो भैयों का दुश्मन था, जो सही सही कहता था वो भैयों का दुश्मन था, अरे बंदे बंदे सर पे पाप वाले सेले रह जाओगे, बंदे सर पे पाप वाले सेले रह जाओगे, अरे बाद सर पे पश्चातापी सेले रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलो तो हमने मान लिया लाला बेटा, हमने मान लिया लाला वाकई में गुरु हो तो, हमने मान लिया लाला वाकई में गुरु हो तो, हमने मान लिया लाला। अरे सारी तो जी तुम समझ गए पर चिन्ह का वो, हमने मान लिया लाला वाकई में गुरु हो तो, गुरु तो हो पर बन के इन चालाकों के चेले रह जाओगे, अरे बन के इन चालाकों के चेले रह जाओगे, देखते वो स्वार्थ वाले मेले रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलोगे अकेले रह जाओगे, ज्यादा सत्य बोलोगे अकेले रह जाओ, वक्त सुबह का हो गया बच गए पूरे छह। अब देखो चाचा मैंने अपने देखो ये मानो अगर कमेटी अगर दोबारा रसिया यहां कराएगी तो एक स्थान हमारे रामवीर सिंह का होगा। और दूसरे तो बहुत है, इतनी अच्छी पार्टी में आ भाई वो आ
तपस्या गाएं, कीर्तन गाएं, जागरण गाएं, लेकिन अंत में एक ही चीज रह जाती है, क्या? और शायद जे भजन कीर्तन जा मंच में चार साल से है उड़े ना हुए जाए सवेरे जाने होते ही थे देख। अरे जग में सुंदर है दो नाम, 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 चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। और मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके जितने भी लोग खड़े, कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। एक ढोली में फूल भरे हैं, एक में भरे रहे, फिर भी लेने वालों का ये काम, लेने वालों का ये काम, लेने वालों का ये काम, चाहे सुबह रटो चाहे शाम, प्यारे खर्च न होंगे दाम, अब प्यारे बन जाए बिगड़े काम, चाहे कृष्ण रटो या राम, बोलो राम। चलने का इशारा, जिंदा रहे तो मिलेंगे दोबारा। सभी से क्षमा याचना करते हुए और गांव बढ़ाना की इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए, कोई भी गलती त्रुटि हमसे बनी हो क्षमा याचना, और यही कामना करते हुए कि हंसते मुस्कुराते चेहरे फिर हमें मिले, और सामने वाले अखाड़े में मुझसे बड़े जो है अगर कोई त्रुटि मुझसे बनी हो, हमारे बच्चों से कोई त्रुटि हुई हो, तो आप लोग सभी क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पाद। बोलिए जय श्री श्याम की जय, जय श्री राधे श्याम। हेलो, अरे कहाँ रे, पैसे उल्टा बना आ रहे का? पैसा नहीं लौटने के माने आ रहे, पैसा पैसा तो ले जाओ भाई।